दिल्ली क्यों निशा जा रही है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि तो कॉल है कॉबर दिन बुलाएगा तीन बार। हे गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से व्लॉग में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स किया, ब्लेसिंग दिया हमारे भाई को और हमारी प्यारी से जो बहू है घर की होने वाली उसका उसके लिए। तो उसके लिए सभी सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद। और अभी लिटरली मैं नींद में ही हूँ, क्योंकि गाइज कल करीब करीब 4 बज गए से होटल से आते हुए, और घर का फंक्शन हो तो आदमी बिजी रहता है, बहुत कम ही सूट वगैरह कर पड़ता है, यू नो वेरी वेल, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और बहुत सारी क्वेश्चंस थी आपको उस चीज़ के एक रिगार्डिंग कि भैया बहुत सारी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स, तो बहुत सारे उन सभी का मैं रिप्लाई भी वगैरह भी करूँगा, देखता हूँ इस ब्लॉग में नहीं तो फिर अगले ब्लॉग में मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। जैसे सचिन भाई को लेके भी था, बहुत सारे थे मतलब कमेंट्स वगैरह थे तो मैंने पढ़ा था, बट अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ बहुतों का, बट चलिए कोई नहीं। अभी क्या हुआ है गाइज कि निशा मम्मी जी लोग सभी लोग हैं यहाँ पे, बट मम्मी जी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं अभी वहाँ डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर के पास से भी जस्ट आ ही रहा हूँ दिखा के। तो चलिए आप लोग बने रहिए, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी सुबह के 12 बज रहे हैं और अभी जाके थोड़ी बहुत नींद खुली हुई है मेरी, बट अभी भी मैं नींद में हूँ। रुद्र भाई रुक गए थे, वो भी चले गए सुबह सुबह, मैं कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा हरासमेंट और मतलब थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इस होटल जो था ना वो 3 तला था और मुझे कम से कम 40 से 50 बार ऊपर नीचे करना पड़ा है, जिसके कारण लिटरली मेरे पास हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चल पाऊँ, पूरा मेरा पाँव फूल गया था, तो इतना ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम हो गया। बट चलिए कोई नहीं, आप लोग बने रहिएगा, नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे गाइस, तो मम्मी जी यहाँ पर थी, रुद्र भाई तो चले गए, रुद्र भाई को हम छोड़ दिए। अच्छा। और अभी मनीषा, तितली, तितली की नानी, पापा जी सभी लोग जा रहे हैं अपने घर, यानी निशा के चाचा के घर पे, तो निशा भी जा रही है 1-2 दिन के लिए, फिर सभी लोग आ जाएगा। चलिए हम सब पहुंचा देते हैं सामान वगैरह, आप लोग आइए जल्दी से नीचे। पापा जी गाड़ी आ गई है क्या? जी चलिए। और माता जी इधर लेके आई है, देखिए 200 रुपए दे रही है तितली को। मम्मी को मिठाइयाँ दे दीजिएगा। हाँ माता जी मिठाई पैक कर दी। हाँ हाँ दे दिया हूँ, वाला हाँ छेका वाला सब पैक कर दे, लेते जाएंगे अंकल के घर पे दे देंगे, कलकत्ता के लिए अलग से दूंगा। क्या हाल है सर जी? तितली को खाली मेरा, वाह तितली वाह, तो भाई देखो जा तारा ना दिल में रोने लगे, रोने लगे वो भाई साहब। मम्मी जी क्या बोली सुनी आप? हाँ तो वही आता है तारा मेरी, अरे लोग आ जाएगा फिर 2 दिन बस तितली का दिल, मैंने पोती से प्यार और किसी से नहीं। नहीं खा रहा पापा। तो यहाँ पे रिचुअल्स होता है कि बेटिया जब भी जाती है माई के, लेके जाती है खोइचा चाउर दाल, क्योंकि वहाँ पे कमी होती है तो लेके जाया जाता है, जाके पहले खाना बना के खा लेना। हाँ इसका मतलब ये होता है, उसके बाद काम है का तो कौन ले को बड़े दिन बुला गए 3 बार। माँ को माँ बुला गए कि कोई बार कोई चाहिए ये कोई नहीं। बट गाइज आखिर सडनली क्यों निशा जा रही है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं पहले इन लोग को विदा कर रहा हूँ, कुछ ऐसा इमरजेंसी ही है जिसके कारण इन लोग को जाना पड़ रहा है माइके निशा को। गला लगा लो साच कर रहा है, बढ़िया सर भाई देखो तो गाइस ये एक्टिंग चल रहा है दोनों का, सास में होगा समझियो के पकड़ के गला मिल के तेरे रोल ला लाइट नहीं है। चलो चलो कितनी कहाँ गई अंदर तितलू तितलू बाय 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 टाटा बाय बाय परसों मिलते हैं।
गाइस, आपने तो देखा कि निशा जल्दी जल्दी चली गई, तो वो क्यों गई? सबसे पहले माँ तो इधर उदास बैठी हुई, क्योंकि जब निशा चली जाती है, तितली चली जाती है, थोड़ा सा घर अजीब सा शांत हो जाता है। बट अभी शाम का समय हो गया और अभी जस्ट किसी तरह थोड़ा देर के लिए मतलब लाइट आया था चेक करने के लिए, और फिर से मतलब ब्लास्ट हो गया। बट अभी बस एक बल्ब जल रहा है रूम में। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे मार्केट का जो लाइट है ना, वो पूरा कुछ दूर तक का जो कॉयल है वो पूरा जल के गिर चुका है, और जिसके कारण मुझे लगता है कि 2 दिन तक लाइट नहीं आएगी। और लाइट नहीं आएगी तो गर्मी में आप समझ सकते हो, इतनी गर्मी है कि हालत ख़राब हो जाएगी। और निशा के मम्मी पापा को अपने वो यहाँ पर आए हुए थे, तो उनके अपने गांव जो है वहाँ अंकल के घर पे जाना ही था, तो इसीलिए निशा का भी मन था कि वो भी उसके उन लोग के साथ चले गए। क्या माँ? माँ भी बोली कि गर्मी बहुत ज़्यादा है कि जाने दो, नहीं तो फिर तितली पूरा थोड़ा सा परेशान हो जाती है। बाकी अभी हम लोग दोनों आदमी थक गए हैं, क्योंकि इतना सारा मिठाई वगैरह था, किसी तरह फ्लैश लाइट जला के, माँ को भी पूरा नींद आ रहा है, तो फ्लैश लाइट जला के सब जगह मिठाई वगैरह सब बाट बाट के अभी हम लोग फ्री हुए हैं, और अभी इतना थकान महसूस हो रहा है। क्या माँ, थकान लग रहा है? बहुत ज़्यादा। माँ को तो बोलने का भी इच्छा नहीं कर रहा है, बट अभी बहुत जगह से इनविटेशन वगैरह भी आया है, आप सभी को पता है, और अगले ब्लॉग तो सब कुछ बताएंगे। बट सचिन मनीषा नहीं आए थे, माँ भी थोड़ा सा दुखी थी कि वो क्यों नहीं आए। तो माँ भी थोड़ा सा दुखी हो गई थी, बट अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या रीज़न है, वो लोग क्यों नहीं आए, ठीक है? और थोड़ा सा एक अपनापन है तो आदमी कोशिश करता है, बट कभी कोई पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट चलिए कोई नहीं, आप लोग बने रहें। मतलब बहुत ऐसे जो क्रिएटर्स थे को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके, तो सभी का हम रिप्लाई करेंगे। बाकी भी अभी जस्ट कॉल आया था कि निशा और तितली वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर कम से कम एसी चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा ठीक है तितली, क्योंकि पूरी गर्मी से हालत ख़राब। जब हम लोग सुबह में आए तब से लाइट वगैरह कटा हुआ था और बहुत परेशान हो गए थे सभी। सिर्फ बाकी सारे गेस्ट तो चले गए थे ऑलमोस्ट रात में ही, बस निशा के मम्मी पापा और मामा और मेरे नानी घर से कुछ लोग रुके हुए थे, तो वो लोग भी सुबह सुबह मतलब मैं उठा हूँ तो पता चला नानी कितने बजे गई, 4 बजे सुबह में चली गई क्या? नानी कितने बजे भोर में गई? 6 बजे। तो 6 बजे नानी और मौसी लोग भी, ये लोग भी चला गया था, तो हमको 5:30 में चली गई थी। ठंडे ठंडे गाइस कहीं चले जाओ, निकल जाओ तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी है कि इसमें इस गर्मी में कहीं जाना और रुकना इट्स टू टफ। तो अभी देखिए क्या होता है, नानी घर भी जाना था, बहुत सारा सामान इधर उधर बांटना भी है, मतलब मिठाई वगैरह लेके जाना है। बहुत लोग आए थे फंक्शन में, डायरेक्टली निकल गए थे, तो उन सब के लिए साड़ी वगैरह बहुत कुछ है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे सब इधर उधर करके, कहीं भाई जाएगा तो कहीं मैं जाऊँगा, सब जा जा के सभी को देंगे, क्योंकि ये हमारे तरफ की यही कल्चर है, परंपरा है कि 6 का का मिठाई या जो भी चीज़ होता है शगुन के रूप में जो भी आता है वो सब दिया जाता है, बांटा जाता है, तो बटाएगा। बट चलिए निशा मुझे लगता है कि कल तक चली आएगी, तो कल और मज़ा आएगा ब्लॉग में। बाकी अभी थोड़ा सा मैं भी मिस कर रहा हूँ तितली को, दादी भी इसकी मिस कर रही है निशा को। कम लेकर आ जाओ माँ, कर जाओ अभी लेकर चले आओ। तो अभी ये भी लाइट मुझे लगता है कि थोड़ी देर में बंद ही हो जाएगा, मुझे लगता है कि 5-10 मिनट चार्ज है इन्वर्टर, तो चल रहा है। चलिए घर तो पूरा सुना है, बट चलिए कोई नहीं, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।